इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से आपके एम एक्स प्लेयर में दिखाता है एम एक्स प्लेयर रिक्वायर्स ऑल फाइल एक्सेस परमिशन डिस्कवर मीडिया सबटाइटल्स ऑन योर डिवाइस ड्यू टू चेंज इन सिक्योरिटी पॉलिसी इन एंड्रॉयड 11 एंड लेटर वर्जन। ठीक है, एंड्रॉयड 11 से हमारे इस तरीके के फीचर्स को डायरेक्टली इनेबल करने का सिस्टम यहाँ पर एम एक्स प्लेयर में या किसी भी एप्लीकेशन से ख़त्म कर दिया गया है। देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और एम एक्स प्लेयर के अंदर इसे कैसे शो करा सकते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ से हम लाते हैं बैक, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल इसे काट देते हैं। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखिए एंड्रॉयड 11 में एक एक्स्ट्रा परमिशन ऐड कर दी गई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई सी भी एप्लीकेशन आई और हमारा एक्सेस गैलरी वगैरह का फ़ोटो वगैरह का एकदम ही ले लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर चुनिंदा एप्लीकेशन को जो आप क्लिक करेंगे उनके बाद ही परमिशन जाएगी, चाहे आप फाइल एंड मीडिया की परमिशन उन्हें दे सकते हैं, लेकिन गैलरी एक्सेस मीडिया की अलग होती है। आप तो उसके लिए आपको देने के लिए जैसे इसे रन करना है तो क्या करना होगा, तो सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है, यहाँ पर कनेक्शन, यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन दिखाई देगा, इस पर जाना है। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको स्पेशल परमिशंस दिखाई देती है, इस पर जाना है और ऑल फाइल एक्सेस पर जाना है। ठीक है, और ऑल फाइल एक्सेस पर जाने के बाद यहाँ से आपको एम एक्स प्लेयर को खोलना है और इसे एक्सेस दे देना है। अब यहाँ से सिंपली आपको बैक लाना है, एक दफ़ा फ़ोन को बंद करके खोल लीजिएगा, एम एक्स प्लेयर को यहाँ पर स्टार्ट करिएगा तो यहाँ से जो है आपकी सारी मीडिया अब शो हो जाएगी। तो ये यहाँ पर शो हो चुकी है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।